दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं Redmi Note 9s के कैमरे फीचर एकदम डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को सिंपली एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है। वहीं आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इसमें देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फोटो मोड के बारे में। तो फोटो मोड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये HDR को सपोर्ट करता है, साथ में जो ये AI है उसको भी सपोर्ट करता है। इनका यूज़ करके आप जो फोटो है काफ़ी अच्छी क्लिक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फिल्टर लगाने हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे फिल्टर यहाँ देखने को मिलते हैं आपको। साथ में आप यहाँ से ब्यूटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपको सिंपली ब्यूटी पे जाना है और यहाँ से आप ब्यूटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। और आपको गूगल लेंस का सपोर्ट सामने ही देखने को मिल जाता है, आपको गूगल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करके उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और जो ये फ़ोन है इसमें आपको 10x तक का जूम देखने को मिल जाता है, 10x में जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी रहती है, जो फ़ोटोज़ है वो ब्लर नहीं होती है। वहीं अगर आप उसकी मोर सेटिंग्स पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप टाइमर को ऐड कर सकते हैं, साथ में जो फ़ोटोज़ की रेशो है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोटोज़ में ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ 3 नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है टिल्ट शिफ्ट, दूसरा है प्रो कलर और तीसरा टाइम बस्ट। तो टिल्ट शिफ्ट में होता क्या, अगर आप इसे इनेबल करोगे तो सेंटर का पार्ट है वो ब्लर नहीं होगा, लेकिन जो सराउंडिंग का पार्ट है वो ब्लर हो जाएगा। मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी है, आप यहाँ देख ही सकते हैं जो सेंटर का पार्ट है वो ब्लर नहीं हो रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग का पार्ट है वो ब्लर हो गया है। तो इस आपको जो फ़ोटोज़ है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। साथ में आपको यहाँ पे प्रो कलर नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी फ़ोटो की जो कलर्स है उनको काफ़ी इन्हेंस कर देता है। साथ में आपको यहाँ पे टाइम बस्ट नाम से भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये एक साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता है और जो सी फ़ोटो आपको बढ़िया लगे आप उसको रख सकते हैं और बाकियों को इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ कैमरा सैंपल इसके फ़ोटो मोड के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ AI का सपोर्ट ही देखने को मिलता है। और यहाँ से आप जो फोकस है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फिल्टर्स लगाने हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, आप यहाँ से फ़िल्टर को भी ऐड कर सकते हैं और साथ में जो ब्यूटी है उसको भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप फोटोज़ की रेशो जो है उसको चेंज कर सकते हैं, साथ में टाइमर ऐड कर सकते हैं और जो ग्रिड लाइन है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ कैमरा सैंपल इसके पोर्ट्रेट मोड में। तो अब बात कर लेते हैं इसके वीडियो मोड के बारे में। तो वीडियो मोड में आपको सिर्फ 2x का सपोर्ट ही देखने को मिलता है, आपको 10x का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। वहीं से आपको अगर वीडियो मोड में फ़िल्टर अप्लाई करने हैं तो यहाँ से आप फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको ब्यूटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप मोर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये फ़ोन है ये 4K वीडियो 30fps तक रिकॉर्ड कर सकता है और जो 1080p की वीडियोज़ है वो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ से आप डायरेक्टली मैक्रो लेंस में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है काफ़ी बेकार आती है। अगर आपको ग्रिड लेंस को अप्लाई करना है तो यहाँ से आप ग्रिड लेंस को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक ड्रॉबैक दिखा। तो अगर आप ब्यूटी को अप्लाई करते हो तो जो आपकी वीडियो है मैक्सिमम 720 pixel में ही रिकॉर्ड होगी, 1080 pixel में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर आप ब्यूटी को रिमूव कर देते हो तो आपकी जो वीडियोज़ है वो 4K तक रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके प्रो मोड की, तो इसमें प्रो मोड में काफ़ी बेहतर फीचर दिया गया है, आप इसमें फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों को ही क्लिक कर सकते हो। अभी मैं वीडियो को क्लिक कर सकता हूं और साथ में ये फ़ोटोज़ है उसको भी क्लिक कर सकता हूं, तो दोनों में ही आपको प्रो मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए जाते हैं, अगर आप यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, आप उन्हें पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो ओपन कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है
उसमें प्रो कैमरा मोड में वीडियो का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें आपको प्रो कैमरा मोड में वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ से आप वाइट बैलेंस, फोकस, सैचुरेशन सबको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी बेहतर इसमें फीचर दिया गया है, आप बिना ओपन कैमरे के भी इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं यूट्यूब के लिए, जो कि काफ़ी बेहतर है। साथ में आपको फोटोज़ में कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप मोड पर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नाइट मोड, 64 मेगापिक्सल कैमरा, शॉर्ट वीडियोज़ के लिए यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में आपको पैरनोमा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, AI वाटरमार्क का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके नाइट मोड के बारे में, तो नाइट मोड में आप यहाँ पर 2x तक जूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जूम आप नहीं कर सकते इसमें। अगर जाए मोर सेटिंग्स में, तो यहाँ से आप रेशो को चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी तो सेम ही रहेगी, और साथ में आप ग्रिड लाइन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके शॉर्ट वीडियोस के बारे में, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप शॉर्ट वीडियोस पर जाओगे तो यहाँ से आप जो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज उसको कर सकते हैं। साथ में अगर आपने देखा हुआ शॉर्ट वीडियोज़ में बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है, तो यहाँ से आप जो म्यूज़िक है उसको लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, जो ये काफ़ी बढ़िया है। साथ में अगर आपको यहाँ पे ब्यूटी या फिर फिल्टर्स को ऐड करना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से जो फिल्टर्स है वो अप्लाई हो जाएंगे, और साथ में जो ब्यूटी है उसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है कैलिडोस्कोप, जो कि मुझको काफ़ी बेहतर लगा। तो आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो काफ़ी बेहतर लगा मेरे को। तो इससे होगा क्या, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट फीचर देखने को मिल जा रहा है शॉर्ट वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर वही बात करें हम इसके स्लो मोशन कैमरे के बारे में, तो स्लो मोशन में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप स्लो मोशन जो वीडियोस है उनको 960fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, जो वीडियो क्वालिटी होगी वो 720px में ही रहेगी। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ इसके स्लो मोशन वीडियो की। तो ये थे इसके रियर कैमरे के फीचर्स। अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट कैमरे में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको फ्रंट कैमरे के फोटो मोड में HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में आपको AI का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको फिल्टर्स या फिर ब्यूटी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इससे आपकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। साथ में आप फिल्टर्स को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्यूटी के लिए ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं रियर कैमरा के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे अगर आप मोर पे जाओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ से आप जो फोटोज़ की रेशो है उसको चेंज कर सकते हैं, टाइमर ऐड कर सकते हैं, फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, और ग्रिड लाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको फ्रंट कैमरे में भी बस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप सेम टाइम पे मल्टीपल फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं, और जोन से आपको फोटो बेहतर लगे उसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ कैमरा सैंपल इसके फोटो मोड में। तो अगर बात करें इसके पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड भी इसका बैक कैमरे की तरह एकदम सेम है। इसमें आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ AI का सपोर्ट ही देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो फोकस है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फोटो पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करते हैं, तो इसका जो फोकस है आप उसको बाद में भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम जाए इसके मोर ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ से रेशो को चेंज कर सकते हैं, साथ में टाइमर जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको उसमें फिल्टर लगाना है, उसका भी आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से फिल्टर या फिर ब्यूटी को इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसके वीडियो मोड की, तो वीडियो मोड में आपको फिल्टर लगाने का कोई भी ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है, आप सिर्फ ब्यूटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके मोर ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप 720px की वीडियो 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 1080px की वीडियो 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60fps में रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। साथ में आपको यहाँ पे प्रो देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो ये प्रो है ये सिर्फ रियर कैमरे में काम करता है, फ्रंट कैमरे में ये काम नहीं करता है। तो अगर ओवरऑल बात करें इस फ़ोन की फ़ोटो क्वालिटी कैसी है, तो इसमें काफ़ी अच्छी फोटोज़ आपको देखने को मिलती है डे लाइट में, और जहाँ पे लाइट्स थोड़ी बढ़िया हो वहाँ पे आपको फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसकी फ़ोटो है लो लाइट कंडीशन में काफ़ी बेहतर नहीं है, आपको दूसरे फ़ोन्स में लो लाइट कंडीशन में इससे बेहतर फोटोज़ देखने को मिलती है। साथ में इसका नाइट मोड है, ज़्यादा अच्छी फ़ोटो कैप्चर नहीं कर पाता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि आपको कैमरे के लिए इसको परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए,
मैं कहूँगा इसमें फीचर तो आपको काफ़ी सारे दे दिए जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ क्वालिटी है वो अप टू मार्क नहीं है। आपको मार्केट में सेम प्राइस रेंज में काफ़ी सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे जिनमें फीचर्स तो काफ़ी कम दिए गए हैं, लेकिन जो फोटो क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। तो अगर आप फोटोज़ के लिए इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज मत करिएगा। आपको मार्केट में कई सारे और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे सेम प्राइस रेंज में जो आपको बेटर फोटो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।